क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम एडीपी, वेलकम टू रिव्यू व्यू। सो मेरे पास आ चुका है रियलमी बड्स एयर प्रो, एंड इसको मैंने ख़रीदा है 4,500 रुपये में फ्लिपकार्ट सेल पे। इसके जो बेस्ट बैंगलिंग्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें आपको 6 मंथ्स की वारंटी मिल जाती है, एंड बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको इनको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। तो गाइस, रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके केस के बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में। इसका जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, राउंड है, स्मजेस इतने ज़्यादा दिखते नहीं है, लेकिन स्लिपरी है और काफ़ी क्लीन और प्रोफेशनल लुक दिया गया है। आपको एक LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, एक मेटल का हिंज देखने को मिल जाता है, बटन भी दिया गया है कनेक्टिविटी के लिए, एंड इसमें आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है। इस केस में नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है वो मेरे को इसलिए ज़्यादा पसंद आया क्योंकि एक हाथ से आप इसको खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। सो ओवरऑल जो केस का डिज़ाइन है वो स्लीक है, कॉम्पैक्ट है, एंड मेरे को थोड़ा स्टर्डी भी लगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि टूट जाएगा, और जो इसका हिंज है वो भी मेटल का दिया गया। सो ये ओवरऑल 4,500 रुपीज़ में एक अच्छी डील है अगर मैं केस को देखूँ और उसके डिज़ाइन को देखूँ। मूविंग फॉरवर्ड टू द ईयरबड्स, ईयरबड्स की बात करूँ तो लुक्स ओपो इनको W51 एंड एयरबड्स प्रो का हाइब्रिड लगा मेरे को। आई लाइक इट, बट दीज आर वेरी स्लिपरी एंड इसको केस से निकालते टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होती है क्योंकि ग्रिप नहीं मिलती। इन ईयरबड्स में आपको कोई भी LED इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वेयर डिटेक्शन मिल जाता है, एंड आई रियली डिड नॉट लाइक द वेयर डिटेक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग रहता है। जैसे गाने सुन रहे हो और कान से निकालते हो एक भी ईयरबड, तो जो डिफरेंस रहता है जब आप कान से निकालते हो और जब गाना पॉज होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगा मेरे को। इतना ज़्यादा लैग होना नहीं चाहिए था, एंड जब वापस कानों में डालते हो तो रिज्यूम होने में भी टाइम लगाता है। सो लैग है, एंड वो यूज़र एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं हल्का सा हैम्पर ज़रूर करता है। प्लस कभी कभार ये काम भी नहीं करता है, मतलब कान से निकालते हो या वापस डालते हो तो प्ले पॉज नहीं होता है कभी कभार, तो ये चीज़ मतलब डिसअपॉइंट करती है एंड यूज़र एक्सपीरियंस को डेफिनेटली हैम्पर करती है। इन ईयरबड्स में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंट मोड देखने को मिलता है, IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है, 10 mm के ड्राइवर्स भी मिल जाते हैं। प्लस इसमें आपको टच जेस्चर्स दिए गए हैं, एंड टच जेस्चर्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं एंड सेंसिटिव भी हैं, जो मेरे को अच्छी चीज़ लगी इन ईयरबड्स में। एंड उन जेस्चर्स को यूज़ करके आप कॉल्स को आंसर या एंड कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, जो ट्रैक्स हैं मतलब सॉन्ग ट्रैक्स उनको चेंज कर सकते हो, प्लस आप ANC या ट्रांसपेरेंट मोड को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप गेमिंग मोड को भी एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं, बट इन सारे ही टच जेस्चर्स को आप रियलमी लिंक ऐप के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों, अगर फिट एंड कंफर्ट की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है क्योंकि सबके कान अलग अलग होते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे इतने ढंग से फिट नहीं है क्योंकि थोड़े फिसलते हैं कानों में, बट हो सकता है आपको अच्छे से फिट हों, और अगर नहीं होते हैं तो अलग ईयर टिप्स भी दिए गए हैं इसके पैक में, एंड उनको आप यूज़ कर सकते हो अपने कानों के हिसाब से। सो फिट एंड कंफर्ट कम्प्लीटली सब्जेक्टिव होता है, सो इसमें मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं, मेरे को इतने ढंग से फिट नहीं आए टू बी ऑनेस्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू द कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी हमेशा स्टेबल थी, भले ही मैं इंडोर्स में इनको यूज़ कर रहा था या आउटडोर्स में यूज़ कर रहा था मोबाइल फ़ोन के साथ। जैसे ही लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहा था तो कनेक्शन ब्रेक हो रहा था एंड मेरे को बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिला। लेकिन इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी पुराना है, बट एट द सेम टाइम बाकी जितने TWS हैं उनमें कभी ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। सो ये चीज़ रियलमी बड्स एयर प्रो में मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मेरे लैपटॉप की भी गलती हो सकती है क्योंकि वो काफ़ी पुराना है। लेकिन जैसे बोल चुका हूँ, एट द सेम टाइम बाकी जितने भी TWS हैं उनमें ऐसे ही कोई भी इशू मेरे को देखने को नहीं मिली थी। लेकिन ये जो ईयरबड्स हैं वो काफ़ी जल्दी आपके लैपटॉप के साथ या मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और इनमें रेंज भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली मेरे को। उसके बाद बता दूँ, इनमें आपको SBC एंड AAC का कोडेक मिल जाता है। सो मेक श्योर आपके फ़ोन में एटलीस्ट AAC का कोडेक हो तो आपको मोस्ट ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मिलेगी। नहीं है अगर खाली SBC को सपोर्ट करता है आपका डिवाइस तो चलेगा, ख़राब परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, लेकिन AAC अगर सपोर्ट करता है आपका फ़ोन तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी इन ईयरफोन्स के थ्रू। सो गाइज, मूविंग फॉरवर्ड टू द ऑडियो क्वालिटी नाउ। सो गाइज, अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो मेरे को इसका ऑडियो सिग्नेचर अच्छा लगा, कहीं से भी कुछ बूस्टेड नहीं लगता है, ट्रेबल काफ़ी बढ़िया हैं, वोकल्स काफ़ी अच्छे हैं, बेस भी एकदम बैलेंस वे में दे रखा है, पसंद आएगा आपको। लेकिन अगर आप एक बेस लवर हो तो आपको शायद ऐसा लगे कि बेस थोड़ा और एनहांस हो सकता था, बट मैं ओवरऑल बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो इसके ऑडियो सिग्नेचर को आप, एंड आप सेटिस्फाई रहने वाले हो इसके ऑडियो सिग्नेचर से। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, और इवन 100% वॉल्यूम पे भी ये फेड होते हैं थोड़े थोड़े,
मतलब कुछ कुछ चीज़ें ओवर शार्प लगने लगती हैं, बट स्टिल दे आर एन्जॉयबल, और ख़राब एक्सपीरियंस आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला है इन ईयरबड्स के थ्रू ऑडियो क्वालिटी में। मूविंग फॉरवर्ड टू द लेटेंसी पार्ट, लेटेंसी इनमें आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाली है क्योंकि इनमें आपको गेमिंग मोड मिल जाता है एंड उस मोड को यूज़ करते हुए आप गेम वगैरह खेल सकते हो, मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, बहुत ही कम लैग देखने को मिलता है एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इनमें। सो आप डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हो इन TWS को अगर आप गेमिंग करते हो या फिर मीडिया कंज्यूम करते हो। नाउ मूविंग टू द कॉलिंग पार्ट, कॉलिंग में मैं बताऊं तो अच्छे हैं ईयरफोन्स, आपको कहीं से ख़राब नहीं लगेंगे, बट थोड़े और बेटर हो सकते थे। NKW 51, NKW 31 में डेफिनेटली मेरे को बेटर कॉलिंग लगती है, बट ये भी कहीं से ख़राब नहीं है। और ये रहे आपके सामने ऑडियो सैंपल्स, आप खुद सुन के जज कर सकते हो। तो ये रियलमी बड्स एयर प्रो से मैंने अभी अंशु को भी कॉल किया था, तो अंशु ने बोला कि वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी ऊपर जा रही है आवाज, कभी नीचे आ रही है, तो मे बी टू लेकिन बोल रहा है कि अच्छी है। तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं ऐसे, मेरे एंड पे तो मेरे को नहीं नजर आ रहा, मे बी वो सिग्नल का भी थोड़ा सा इशू, बट क्लियरली सुनाई दे रहा, एटलीस्ट जो तू बोल रहा है एक एक ईच वर्ड तो बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है। वैसे मैंने कल भी दो तीन कॉल किए थे एंड जिनसे भी बात की थी सबने बोला था कि नहीं कॉल तो ठीक है, कोई इश्यू था नहीं, उनको वीडियो कॉल भी किया था। अभी मैं फैन ऑन करता हूँ, फैन ऑन करके तू मेरे को बताना कि आवाज कैसी आ रही है। हाँ मैंने फैन ऑन कर दिया है, ठीक है, कुछ था तो कुछ फर्क पड़ रहा है आवाज में, ऑन हो गया। हाँ फैन ऑन हो गया, थोड़ी आवाज बस दब गई, मे बी वो पीछे की नॉइज कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है इस प्रोसेस में, थोड़ी सी आवाज बस तेरी दब गई और कुछ। वापिस बोल कुछ। हाँ मतलब तेरे को मेरी आवाज अभी क्लियरली सुनाई। हाँ वियर्ड हो गई थोड़ी सी आवाज, तो वियर्ड हो गई, वियर्ड हो गई। हाँ मे बी अंशु के बारे में बोल रहा था। हाँ अंशु यही बोल रहा था कि हॉलो हो जाती है आवाज हल्की सी। हाँ हाँ थोड़ी वियर्ड हो गई, बिना पंखे के काफी क्लियर थी, अभी दब गई आवाज। वही पता लगाया था, अभी वैसे आउटडोर्स में जाके कॉल करूंगा मैं थोड़ी देर बाद। हाँ मतलब अभी आ रही है पीछे से एक पतली सी आवाज, बट बहुत लाउड नहीं है, ऐसा नहीं कि बात नहीं कर सकते एकदम हल्की सी। मैं मंदिर के एकदम सामने खड़ा हूँ और अभी पूजा हो रही है शाम की, तो घंटी घंटी बज रही है, मतलब सुनाई दे रहा है क्लियरली, पतली सी आवाज आ रही है, मतलब तू अगर मेरे को बताता भी नहीं घंटी है पता भी नहीं लगता, वैसे अजीब सी पतली सी आवाज आ रही है। आई गेस जब मैं बोल रहा हूँ तब वो और कम हो जा रही होगी। नहीं वो है बैकग्राउंड में रहती है, बट अच्छा रहती है, आवाज को ओवरपावर करके ऊपर नहीं आ जाती, तू वो बैकग्राउंड में ही है और तेरी आवाज ऊपर ही है। ओके ओके ओके, जस्ट दो मिनट और रुक, लाइन पे ही रह दो। देखो अभी तेरे को आवाज आ रही है कुछ कुछ बच्चों की? थोड़ी बहुत आ रही है। ओके मैं ग्राउंड में आ गया और मैं शायद काफी सो रहा हूँ, स्टिल एकदम बैकग्राउंड में रहती है वो आवाज, बीच बीच में थोड़ी लाउड हो जाती है बट स्टिल चलेगा तेरी आवाज, तू जब भी बोल रहा है तब। ओके तब इतना सुना नहीं, ज्यादा अच्छे से सुनाई दे रही है मेरी आवाज। हाँ तेरी आवाज सही सुनाई दे रही जब भी तू बोल रहा है। यही यही चेक करना है सर, सही सुनाई दे रहा है कि नहीं, खराब नहीं है माइक, अच्छा बोलूंगा अच्छा माइक है। सो गाइज अगर मैं बात करूँ इसके फाइनल एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज़ बैटरी लाइफ, बैटरी लाइफ इनमें मेरे को काफ़ी डिसेंट लगी। अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करके यूज़ करते हो तो आपको 4 घंटे 10 मिनट का बैटरी बैकअप मिल जाता है, अगर ऑफ कर देते हो ANC को तो आपको 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। एंड जो इसका केस है उसके थ्रू आप इन ईयरबड्स को 4.5 बार इजीली चार्ज कर सकते हो, एंड जो ईयरबड्स हैं उनको चार्ज होने में 1 घंटे लगते हैं केस के अंदर, और जो केस है उसको ओवरऑल चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं। सो गाइस बैटरी बैकअप के हिसाब से मुझे ये पसंद आया, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं मिली। एंड मैं अगर सच्ची बताऊँ तो इस प्राइस रेंज में जितने भी और दूसरे TWS आते हैं उनमें मोर और लेस सेम है, OnePlus Buds में काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप है लेकिन उसमें आपको ANC नहीं मिलता, और वो मोस्ट प्रोबेबली मतलब OnePlus यूज़र्स के लिए ये, लेकिन आप किसी भी फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो क्या आपको इनको ख़रीदना चाहिए,
डेफिनेटली आप इनको खरीद सकते हो। ये कंफर्टेबल भी हैं, थोड़े से भारी हैं बट मेरे को काफ़ी पसंद आए, और इनमें जो ANC है वो भी अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूँगा बेस्ट है। ओप्पो एनको W51 में ANC मेरे को हल्की सी बेटर लगी थी इनसे, लेकिन उनमें बैटरी बैकअप काफ़ी कम है, लाइक ऑलमोस्ट एक घंटा कम बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलती है। सो इनमें ANC अच्छी है, ट्रांसपेरेंट मोड भी मेरे को काफ़ी पसंद आया, लेकिन ओवरऑल मैं अगर बताऊँ तो ये 100% मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आप सभी लोगों को। अगर आपको ख़रीदने का मन है आप ख़रीद सकते हो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। सो गाइस यही था पूरा रिव्यू, आई होप आप लोगों को रिव्यू पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, एंड अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो दिया गया है, अब जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे ही मैसेजेस का रिप्लाई दूंगा। सो गाइस यही था आज का वीडियो, एंड अगर आप पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।